नमस्कार, मैं हूँ ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं livecities.in। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हुआ फाइनल ऐलान। बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोजपा को राज्यसभा की भी मिलेगी एक सीट। बीजेपी, जेडीयू और लोजपा ने संयुक्त पीसी कर किया ऐलान। सीट बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, बोले मजबूती के साथ फिर दोहराएंगे लोकसभा चुनाव की जीत। 2019 के लिए सब लोग साथ मिलकर करेंगे काम। बंटवारे के बाद जल्द ही कर लेंगे सीटों का भी चयन। सीट बंटवारे को लेकर रामविलास पासवान ने दिया बयान, बोले एनडीए में एकजुटता बरकरार, सभी हैं साथ साथ। पिछले एक दो दिनों से जो गतिरोध था खत्म हो गया है। सम्मानजनक सीट देने के लिए अमित शाह को दिया धन्यवाद। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जिसने थाली छीनी उसी के आगे नतमस्तक हुए 56 इंच वाले। कहा रामविलास को महागठबंधन से नहीं आ रहा था बुलावा। एनडीए में दबाव डालने के लिए पासवान कर रहे थे प्रेशर पॉलिटिक्स। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी महागठबंधन में हुए शामिल। महागठबंधन के सभी नेताओं ने किया मुकेश सहनी का स्वागत। तेजस्वी यादव बोले इनके आने से महागठबंधन को मिलेगी मजबूती। सब मिलकर भाजपा और एनडीए को सत्ता से करेंगे बेदखल। गुंजन खेमका के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बोले मेरे परिवार के सदस्य जैसा था गुंजन खेमका, नहीं बख्शे जाएंगे घटना को अंजाम देने वाले अपराधी। कार्रवाई को लेकर इस मामले में डीजीपी से हुई है बात। बढ़ते अपराध के खिलाफ तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। सीएम नीतीश की नैतिकता और अंतरात्मा को लेकर कशा तंज, बोले बिहार में चल रही गोलियां और सीएम दिल्ली में है मस्त। डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर भी लगाए कई आरोप। अपराध के मुद्दे पर खूब गरजे मधेपुरा सांसद पप्पू यादव, बोले बिहार में अब जनता को क्रांति करने की है जरूरत। पटना की सड़कों पर नीतीश कैबिनेट की निकाली अर्थी, बोले 27 दिसंबर को दिल्ली में बंद कराएंगे लोकसभा। अगले साल 3 फरवरी को राहुल गांधी आएंगे पटना। कांग्रेस द्वारा आयोजित जन आकांक्षा रैली में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला बिहार दौरा। रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेज कर दी है तैयारी। स्वच्छता मिशन के लिए आज सुबह खूब दौड़ा पटना। गांधी मैदान से इनकम टैक्स गोलंबर तक प्रतिभागियों ने लगाई दौड़। दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फेम फातिमा सना शेख भी हुई शामिल। प्रतियोगिता में शामिल लोगों की जमकर की हौसला अफजाई। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप बने रहें livecities.in के साथ। नमस्कार।